कवर हेडफोन, कवर हेडफोन और सुन ईयरफोन दिखाना। कैसे दिए? ये जी 200 रुपए का है। ठीक ठाक तो चलेंगे? हाँ जी बढ़िया चलेगा। दो दे दो। चलो ये लो 200 रुपए और दो मैडम। 200 का एक है, 2 के 400 रुपए हुए ना। हाँ तो इसका 200 ही बनता है। तुम लोग ज्यादा बड़ा चढ़ा के रेट लगाते हो जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन मैडम इतने की तो हमारी खरीद भी नहीं है, इतने में देंगे तो हमारे लिए तो घाटे का सौदा हो जाएगा। कोई घाटा वाटा नहीं हो रहा, ठीक है? ऐसी पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो तुम लोग। ऐसी बात नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं, हमारी खरीद भी नहीं है इतने की। चुप रहो, मेरा शॉप आ गया। लेकिन मैडम, मैडम हमारी बात तो सुनिए मैडम। ओए सुन। जी मैडम कहिए। ईयरफोन लिए थे 4 दिन पहले, एक भी दिन ढंग से नहीं चले। नहीं मैडम, ये लीड आपको हमने नहीं बेची, इस कंपनी का माल तो हम बेचते नहीं। तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मैडम, इसमें झूठ और सच की कोई बात नहीं। जब इस कंपनी का माल हम बेचते नहीं है तो फिर मैं कैसे माल लूँ? तू मुझे दूसरे ईयरफोन दे। ये लीजिए मैडम। ठीक है। लेकिन मैडम इसके पैसे तो दीजिए। किस बात के पैसे? पुराने के बदले में नए ले रही हूँ ना एक्सचेंज करके। लेकिन मैडम हमने आपको पहले बताया इस कंपनी का माल हम नहीं बेचते, ये हमारी नीड नहीं, हम इसके पैसे मांग रहे। सुन मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा अपना काम कर। लेकिन ये तो गलत बात है ना मैडम। अरे मैडम, मैडम सुनिए तो मैडम। अरे मैडम चलने वाली ले लो, ले लो भाई साहब। हाँ, लेंगे 200 रुपए का साहब। अरे भैया इनसे सामान मत लेना, नकली सामान देते हैं। मुझे भी दिया था 2 दिन पहले ये फोन, खराब हो गया। ये क्या कह रहे हैं मैम साहब? एक तो आपने हमसे कम पैसे दिए, ऊपर से खराब लीड बदल ली, आपको दिक्कत क्या है हमसे? अरे आपको हमारा सामान नहीं लेना, आप मत लीजिए, औरों को तो लेने दीजिए। मुझे क्या दिक्कत होगी भाई, मैं तो लोगों का भला कर रही हूँ। लीजिए साहब। लाओ मैडम टिकट बोल लो। भैया मेरा पर्स नहीं मिल रहा। किस जाना मैडम, आपके बैग में होगा, चेक करो। भैया नहीं मिल रहा, देख लिया मैंने, जरूर इसने ही लिया होगा। चल मेरा पर्स निकाल। आप क्या कह रहे हैं मैडम? अरे हम आपका पर्स क्यों लेंगे? बदला लेने के लिए। क्यों भाई, चोरी वगैरह ला गया तू है? सब हमने चोरी नहीं किए, हमारे पास नहीं इनका बैग नहीं। सब तू तेरा बैग दे, इधर मेरा पार्ट जाएगा, चोरी करी नहीं करी। सब हमने चोरी नहीं किया साहब। इन लोगों को जब तक पब्लिक की मारनी पड़ेगी ना, अकल नहीं आएगी ना। हमने चोरी नहीं किया साहब, तब तब हम सब कर। एक मिनट रुकियो भाई। मैडम इसके सामान में तो आपका पर्स है ही नहीं। इसने अपने साथी को दे दिया होगा, ऐसे होते हैं ये लोग। भाई क्या रहे हो मैडम आप? चल भाई नीचे उतर, मेरी गाड़ी से नीचे उतर। हमने चोरी नहीं किया साहब। अरे तू रहन दे, मैंने बेरा है पर्स खोने तेरे दूर है। चल नीचे उतर साहब। अरे तू गाड़ी से उतर, रहन दे, कर लिया भरोसा तेरे पर, उतर। अरे कौन चुराता है? रुक तेरे को अभी बताता हूँ। खड़ा कौन है भाई? और क्या क्या चुराया जल्दी बता, नहीं तो साले को और मारूंगा। सब बताता हूँ सब, मारना मत, मारना मत। चलिए सब, ये मैडम का पर्स। साले तो उस फोन कॉल वाले के साथ मिला हुआ ना, है ना? नहीं सब, नहीं नहीं, वो तो गलत फंस गया। आप लोग उसे मार रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ और चुरा लेता हूँ, इसलिए बस फोन चुरा रहा। तेरे को तो साले मैं अभी बताता हूँ, रुक। और मैडम माफ,
आपने तो बेचारे को खाम खामे पिटवा दिया। ये तो साला ढीट है, तो कितना ही मार लो कुछ नहीं होगा। उस गरीब की तो इज्जत थी, अब वो बेचारा किसी बस में सामान भी नहीं बेच पाएगा अपना। भैया सुनो, मैडम आप फिर से आ गए और पिटवाना चाहती हैं हमें। हम पहले कह चुके हैं हमारे पास आपका पर्स नहीं है। मैडम मैं जानती हूँ भैया, बस में किसी चोर ने निकाल लिया था और मैंने खामखा आप पे इल्जाम लगा दिया। मैडम अगर हमें चोरी करनी होती ना तो हम दिन भर बसों में धक्के खाते नहीं घूमते। लेकिन आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि आपको लगता है गरीब है, भिखारी होगा या फिर जरूर चोर ही होगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। भैया ये कुछ पैसे हैं जो मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है, उसको इसे रख लीजिए। मैडम भीख नहीं चाहिए हमें, हमें दो वक्त की इज्जत की रोटी चाहिए। इज्जत क्या होती समझती हैं आप? कहाँ समझेंगी आप, आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। आपको लगता है गरीब है कौन सुनेगा इसकी क्या इज्जत है? साला मोरी का कीड़ा है, समाज का नासूरज, जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। इतनी आप समझती है कि दब चाहेंगी अपने पैरों से अपनी धोती के तले में रोन देंगी? ऐसा नहीं है मैम साहब, रखिए अपने पैसे अपने पास, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। People with power exploit others and feel it is their strength, but on the contrary, it is their weakness. Try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.